दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ढाबा में। हम पढ़ रहे हैं ई गवर्नेंस के एमसीक्यू जो हमारे 91 कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहली वाली वीडियो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, तो इस आई बटन पे जाके देखें हमारा इससे पहले वाला वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे 92 जो आपका क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर है 92। तो चलिए शुरू करते हैं ई गवर्नेंस एमसीक्यू। तो प्रश्न नंबर 92 आपसे पूछ रहा है, जो कि क्वेश्चन है हमारा, सामान्य सेवा केंद्र CSC मिशन मोड परियोजना है, इसका संबंध किससे है। तो मिशन मोड जो आपका CSC है वो है आपका कॉमन सर्विस सेंटर। तो याद रखिएगा CSC का फुल फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि है एकीकृत मिशन मोड परियोजना से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिशन मोड परियोजना से संबंधित है। चलिए देखते हैं 93 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है कि भीम ऐप को किसने डेवलप किया। तो याद रखिएगा NPCI ने डेवलप किया। किसने डेवलप किया? NPCI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भीम ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो याद रखिएगा भीम ऐप की ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhimupi.org.in। तो याद रखिए .bhimupi.org.in, जो कि 30 दिसंबर 2016 से शुरू हुई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेशन ई गवर्नेंस प्लान, मतलब उसका कहने मतलब है NEGP। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है आपका MPPSC के अंतर्गत कुल मिशन मोड प्रोजेक्ट की संख्या। तो याद रखिएगा 31, कितनी? 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि MP ऑनलाइन की शुरुआत हमारी जुलाई 2006 को हुई थी। तो ये क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो याद रखिएगा जुलाई 2006। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 24वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या कह रहा है कि 24वें मतलब 24वें ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस या NCEG 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया गया। तो याद रखिएगा वो कहाँ किया गया? हैदराबाद में। अब इसमें डेट भी पूछ सकता है और थीम भी पूछ सकता है। तो हमारे इससे पहले वाली वीडियो हमारे चैनल पे जाइए, हमने पूरी तरह आपको ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन कंप्लीट करवाया है। तो जाके आप लोग देखें हमारे चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहें। हम आपको इसी तरह MPPSC की पूरी तैयारी कोशिश भर पूरी 99% 100% कंप्लीट करवाएंगे। हमारे साथ बने रहें, हमारा सपोर्ट करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार किस वर्ष से दिए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा 2003 से। कब से? तो याद रखिएगा 2003 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 99 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली हमने इस ई गवर्नेंस के। तो हमने 1 से लेकर टोटल 99 और 100+ MCQs आपको कंप्लीट करवाएंगे, 100+ MCQs। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा 1970 में की गई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए आप इससे और 100 नंबर पे बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा गया है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखा गया है।
आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा 2 अप्रैल 2020 को। कब? 2 अप्रैल 2020 को कौन सा ऐप? आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया। तो आप सबको पता है आरोग्य सेतु ऐप किस लिए है और ये कब लॉन्च किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। समाधान ऐप किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा चुनाव आयोग से समाधान ऐप संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए प्रश्न नंबर 102। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, हम 100 के ऊपर जा रहे हैं, तो हम आपके लिए 100 प्लस एमसीक्यूज आपके लिए लेके आए हैं और हमारे चैनल पे ही आपको मिलेंगे। और आपको संपूर्ण जानकारी ई गवर्नेंस के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी वीडियो आप देखें लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। हाल ही में किस राज्य में किसानों को सिंचाई से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए सेचा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा वो उड़ीसा में लॉन्च किया गया। तो ये 102 क्वेश्चंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्या क्वेश्चन है देखते हैं। 103 नंबर पे देख रहे हैं आप, 103 क्वेश्चंस नंबर आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मींस एनआईसी, हमने एनआईसी के बारे में पढ़ाया है, तो आप जाके हमारे चैनल पे देखें, एनआईसी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो एनआईसी की स्थापना किस वर्ष की गई जिसने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया? तो याद रखिएगा 1977 मींस 1977। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। 104 नंबर क्वेश्चन नंबर पे देख पा रहे हैं आप लोग, अप्रैल 2016 को राज्यों में कृषि उपज बाजार समितियों APMCS को जोड़ने वाले अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल को किस नाम से लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा ई नाम से लॉन्च किया गया था। ई नाम हमने अपने इसी चैनल पर पूरा पढ़ाया है, तो आप जाके देखें फुल फॉर्म इसका क्या है, ये कमेंट करके बताएं आप लोग। इसके बारे में MPPSC पूछ सकता है और इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना है, तो हमारे पिछले वाली वीडियो पर जाके देखें और ई नाम पूरा पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था? तो याद रखिएगा 2015। कब किया गया था? 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिव्यांग सारथी मोबाइल एप्लीकेशन संबंधित है। तो याद रखिएगा दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रमुख उपक्रम MCA 21 निम्न क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने से, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने से, या ई गवर्नेंस से, या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो याद रखिएगा ई गवर्नेंस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, MCA 21 के बारे में जाके देखें, हमने पूरी तरह पढ़ाया है अपने चैनल पे। देखिए आप देख पा रहे हैं 108 नंबर पे, केंद्र सरकार द्वारा पेंसिल पोर्टल का शुभारंभ किया गया वह संबंधित है? तो याद रखिएगा बाल मजदूरी से। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर MPPSC प्री जो के एग्जाम में आने की संभावना है, तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे।
इस वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।